और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव के 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद ऐलान हुआ, 10 उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। बीजेपी के 8, सपा और बसपा के 1-1 सदस्य निर्वाचित हो गए हैं। तो 10 सीटों के लिए चुनाव होना था, लेकिन सीटें जितनी हैं उतने ही प्रत्याशी मैदान में थे और अब उसके परिणाम सामने आ गए हैं। निर्वाचन जो है वो सभी का निर्विरोध हो गया है। यूपी राज्यसभा चुनाव के 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद निर्विरोध निर्वाचन का ऐलान कर दिया गया है। 10 उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। बीजेपी के 8, सपा और बसपा के 1-1 सदस्य निर्वाचित हो गए हैं। मैंने पंडित के आशीर्वाद पर और बहुजन समाज के लोगों का आशीर्वाद था, तो मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा था कहीं से। और आप जिस तरीके से आप राज्यसभा जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, क्या आपकी प्रायोरिटीज रहेंगी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, अभी मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी, उत्तर प्रदेश के साथ साथ में पूरे देश में के लिए मैं काम करता हूँ पार्टी का। और जहाँ पर भी ऐसी कोई घटनाएं हैं, चाहे दलित समाज को लेकर के हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, मुस्लिम माइनॉरिटी को लेकर के है, गरीबों की आवाज़ आपको बुलंदी के साथ में उठाने का प्रयास करूँगा पूरा। राम जी गौतम, जिनके निर्वाचन को लेकर गजब का तमाशा देखने को मिला था, इन्हीं के खिलाफ समाजवादी पार्टी समर्थित एक उम्मीदवार आ गए थे मैदान में। बसपा के विधायकों ने बगावत भी कर दी थी। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, निर्विरोध निर्वाचन हो गया है सभी का, इससे पहले काफी सियासी उफान और तूफान देखने को मिला जिसका असर अभी तक है। देखिए बिल्कुल, और ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से आ रही है, क्योंकि 10 सीटों के लिए जो इलेक्शन होना था वहाँ पर सभी जो 10 मेंबर मैदान में थे वो निर्विरोध चुन लिए गए, यानी वो आज से राज्यसभा के सदस्य हो गए, सांसद हो गए हैं। इसमें बीजेपी के 8 उम्मीदवार थे, वो सभी सांसद हो गए हैं राज्यसभा के। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रोफेसर राम गोपाल यादव थे, वो भी निर्विरोध निर्वाचन उनका हो गया है। और बीएसपी की तरफ से रामजी गौतम थे, वो भी निर्विरोध अब राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी राज्यसभा के सदस्य चुने गए, लेकिन वो यहाँ पर सर्टिफिकेट लेने के लिए मौजूद नहीं थे। उनकी तरफ से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जो है वो मौजूद थे, उन्होंने सर्टिफिकेट लिया है। और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने भी, वो जब उनके कैंडिडेट को सर्टिफिकेट दिया गया तो वो मौजूद रहे और साफ तौर पर ये कहा कि समाजवादी पार्टी ने जो पूरा षड्यंत्र रचा था उससे समाजवादी पार्टी एक्सपोज हो गई है। और एक और बड़ी बात उन्होंने कही, आज अखिलेश यादव ने जो पलटवार किया था मायावती के बयान पर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी को ये बताना चाहिए कि उनके अगर 10 विधायक प्रस्ताव थे तो उस प्रकाश बजाज के पेपर पे बीजेपी का उम्मीदवार क्यों लिखा था। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जो आज उन्होंने कही। बिल्कुल, और अनुभव, तमाम सियासी आरोप प्रत्यारोप तो चल रहे हैं, सभी जो 10 उम्मीदवार थे वो निर्विरोध निर्वाचन का हो गया है। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर, जो सभी 10 उम्मीदवार हैं निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, उनके निर्वाचन का ऐलान कर दिया गया है। नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद निर्विरोध निर्वाचन का ऐलान हो गया है। बीजेपी के 8, सपा और बसपा के 1-1 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित हो गए हैं। और यहां पर वक्त ब्रेक का है।